हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म एकेडमिक एक्सेलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम डे 8 वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं। मौलिक संक्रियाएं ही चल रहा है अभी भी। दी गई तालिका का इस्तेमाल कर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो ये तालिका है, इसको देखकर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो पहला प्रश्न है, वह संख्या जिसमें एक भी दहाई नहीं है, एक भी दहाई नहीं है, वो संख्या कौन सी है? यहाँ भी दहाई नहीं है और यहाँ भी दहाई नहीं है। वह संख्या जिसमें 3 दहाई है, 3 दहाई वाला संख्या ये है। तो एक संख्या तो ये बन सकती है, 735 हो जाएगा। दूसरी संख्या ये हो सकती है, 300 में 30 जोड़ें, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 330। तो 735 या 330 में मेरे ख्याल से दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप 735 लिखते हैं तो भी सही है, और अगर आप 330 लिखते हैं तो भी सही है। इस सवाल के हिसाब से वह संख्या जो 50 से कम है, तो 50 से कम संख्या हमारे पास है 30, और 50 से कम 30 है, और वह संख्या जो 50 से ज़्यादा नज़दीक है, 50 के ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पर 65, 50 नहीं है, 50 के ज़्यादा नज़दीक है 65, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 95। 700 के सबसे करीब की संख्या माइनस 100 के सबसे करीब की संख्या, 700 के सबसे करीब की संख्या 705, तो यहाँ पर है 705, और 100 के सबसे करीब की संख्या है 99, ये है 99, तो 705 माइनस 99 हो जाएगा 604, यहाँ लिख देंगे 604। वह संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर 5 है, वह संख्या माइनस वह संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 5 है, तो सैकड़े स्थान पे 5 संख्या जो है वो है इकाई दहाई सैकड़ा 585। पहली संख्या हो जाएगी 585, फिर इसमें माइनस करना है हमें वह संख्या जिसमें दहाई पे 5 है, तो इकाई दहाई पे 5 है वो है 50, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 535। वह संख्या जो 100 से 3 कम है यहाँ पर 97। वह संख्या जिसमें सैकड़े के स्थान पर 3 है, सैकड़े के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे 3 है, ये है 300, तो यहाँ लिखेंगे 397। अगला सवाल, इंग्लिश के बड़े अक्षरों को अपना नाम लिखें और अक्षरों को चार्ट के अनुसार नंबर दें। अब उन नंबर को जोड़कर देखें, आप अपने नाम की गणितीय संख्या देख सकते हैं, जैसे पंकज। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार आप अपने पसंदीदा शब्दों का भी गणितीय नंबर देख सकते हैं, जैसे आइसक्रीम। आइसक्रीम को कैसे लिखेंगे? आई कहाँ पे है भाई, आई कहाँ पे है? 9 पे है। तो सबसे पहले आइसक्रीम को देखा जाए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आइसक्रीम है 9, फिर प्लस सी है 3 स्थान पे, और ई है 5वें स्थान पे, 9 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा आइस। और क्रीम का मतलब क्या होता है? आइसक्रीम में भी ऐड करना है ना, तो क्रीम के लिए सी फिर से आ गया 3 नंबर पे, और आर आ गया 18 नंबर पे, आर आ गया 18 नंबर पे, इसके बाद है ई, ई जो है उसमें है 5, 3, 18, 5, ऐसे ही ए, ए जो है वो है 1 स्थान पे है, और इसके बाद है आपका एम, एम है आपका 13वें स्थान पे, तो ये 13वें स्थान पे। ऐसी आइसक्रीम को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57। ऐसी आप पिज़्ज़ा को जोड़िए तो ये हो जाएगा पिज़्ज़ा का 78। ठीक है, ऐसे ही टॉफ़ी को जोड़ेंगे, टॉफ़ी का जिस जो टोटल करने पे हो रहा है 55। तो इसमें हम कोड्स को दोबारा से एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, ये नीचे वाले हिस्से का है इसलिए मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, समझ में आ जाए। चिन्हों की समझते हुए खाली बॉक्स में संख्या भरें। तो चिन्हों को समझते हुए देखिए, 484 यहाँ दे रखा है, 953 यहाँ दे रखा है, ऊपर ऐसा क्या लिखूँ जिसे जोड़ने के बाद 953 आए? तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसमें से इसे घटाते हैं, फिर इस वाले में से इसको घटाते हैं वैसे ही, तो फिर हमें ऊपर वाली संख्या मालूम पड़ जाएगी। 13 में से 4 गया तो यहाँ पर आएगा 9, 13 इधर आ गया तो यहाँ आ गया 4, 4 में से घटेगा नहीं तो 14 में से 8 गया तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक ऐसे ही 14 में से 8 गया तो यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, 469 मेरे हिसाब से सही होगा। अगला सवाल है, 946 में 399। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 547 करने पे 399 आ जाएगा। देखिए 16 में से 7 गया 9, 16 में से 7 गया 9,
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 हो गया तो 13 में से 4 गया 9, फिर यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 5 गया 3, वेरी गुड। 7 यहाँ पे मैं भी बॉक्स बताता हूँ, आप ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा, कोशिश करनी पड़ेगी आपको। 398, 458 में से अगर आप 368 घटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 826। ये वर्कशीट भी हमने सॉल्व कर ली है, डे 8 वाली वर्कशीट भी सॉल्व हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसको आसानी से कर सकें। थैंक यू।